धार जिले के औद्योगिक पीथमपुर में दो माह का वेतन नहीं मिलने से नाराज डिवाइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्टर के ड्राइवर और हेल्पर बड़ी संख्या में नगरपालिका परिसर के सामने आज हड़ताल पर बैठ गए। कचरा वाहन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और वेतन की मांग करने लगे, जिसके कारण पीथमपुर नगर आज कचरा नहीं उठा पाया, जिसकी खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी नगरपालिका कही जाने वाली नगरपालिका पीथमपुर में आज शहर का कचरा नहीं उठाया गया। कचरा गाड़ी पूरी तरह से बंद कर दी गई। कचरा गाड़ी के करीब 40 ड्राइवर और 40 हेल्पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं हुआ कि डिवाइस मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी द्वारा कलेक्टर द्वारा पीथमपुर नगर पालिका से कचरा वाहन का हेल्पर और ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए हैं। डिवाइस मैनेजमेंट का सर्विस कंपनी के द्वारा दो माह का वेतन नहीं दिया गया, जिस कारण नाराज ड्राइवर हेल्परों ने आज कचरा गाड़ी बंद कर दी और नगर पालिका के सामने धरने पर बैठ गए और वेतन की मांग करने लगे। धरने पर बैठे ड्राइवरों का कहना है कि दो माह का वेतन नहीं मिलने से हमारे खाने पीने के लाले पड़ गए, ऊपर से त्यौहार सिर पर आ गया है, ऐसी स्थिति में बिना वेतन के अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर गोल मोल जवाब देते हुए नजर आए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। समस्या नहीं है, आंतरिक हमारा मामला था, इसमें हमने व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके और निष्कर्ष निकाला है और शिकायत निवारण हेतु सभी को ड्राइवर हेल्पर को सूचित कर दिया गया है कि आपकी जो आगामी माह का जो जून माह का जो आपका सैलरी है पेमेंट है वो जो सोमवार है आगामी उस तक उनको पूरी तरीके से हमने आश्वस्त कर दिया है कि निकाल दिया जाएगा। इन्होंने जो है आज बंद करने से पहले कोई नोटिस दिया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ मामला था और ये गाड़ियां जो रोक दी थी इन्होंने, तो इन ये अगली बार इस तरह का कार्य ना करें, इसके लिए आपने इनको कुछ समझाइश दी? इस संदर्भ में हमने पूरी तरीके से इनको समझाइश दी गई है कि इस प्रकार की कोई भी कार्य करने से पहले जो हमारे ऑफिस हैं या जो हमारे ऊपर उच्च अधिकारी हैं डिवाइन वेस्टलैंड सर्विसेज के, उन तक इसको जानकारी दी जाए ताकि समय रहते हुए इसका निवारण किया जाए और आगामी भी हमने ये पूरी तरीके आश्वस्त किया सभी को कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति ना पैदा हो पाए, इसके लिए जो भी कदम उठाएं पूरी तरह से कदम उठाए जाएंगे आगे। जी, ये देरी क्यों हुई पेमेंट में इस तरह की? नहीं, इस संदर्भ में थोड़ा सा जो अटेंडेंस का रहता है उसके कारण से कुछ विफलताएँ हुई हैं, बट पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आगामी जो महीने होंगे उनमें इस तरह की कोई भी परिस्थिति पैदा ना हो और समय रहते हुए सभी का निराकरण किया जा सके। नाम बता दीजिए। अरुण प्रताप सिंह तोमर, डिवाइन बेस्टमैन एंड पेरेजेट्स में प्रोजेक्ट। ये आज कचरा गाड़ियां जो है निकली नहीं थी, इनकी कोई इनके वर्कर और ड्राइवरों की मांग थी कि हमारा पैसा जो है कोई संस्था है इनकी निजी संस्था इनके द्वारा नहीं दिया गया है, क्या इसका निराकरण निकला? इसका निराकरण ये था कि कुछ कारणवश कर्मचारियों का पेमेंट लेट हो गया था, इस कारणवश आज सभी लोग ड्राइवर क्लीनर सभी लोगों ने ये उनकी मांग थी कि समय पर पेमेंट हो जाए, उस संदर्भ में सभी लोगों से चर्चा की गई और सभी गाड़ियां अभी रवाना हो गई है और सारे कर्मचारियों को पेमेंट भी समय पर हो जाएगा। प्राइवेट संस्था का समय पर पेमेंट ना होना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी संस्था के प्रबंधक से बात हो गई है, हमारे CMO साहब से भी इस विषय में चर्चा हो गई है और इनका तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। जी, ऐसे इस प्रकार से क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ मामला था, कहीं ना कहीं प्रतिदिन गाड़ियां और ये किस तरह बिना नोटिस दिए बिना जानकारी दिए इन्होंने गाड़ियों को रोक लिया, एक देखा जाए तो यहाँ इकट्ठे हो गए इतने सारे कोरोना काल में भी, तो इन पर कोई आप देख इन पर जो भी कर्मचारी इसमें गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बिना सूचना बिना कारण के इन लोगों ने इस तरह से गाड़ियां रोक दी, ये गलत है, इस विषय पर HO साहब से चर्चा कर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, नाम बता दीजिए सर। सुभाष जायसवाल, सभापति नगरपालिका पीथमपुर। क्या समस्या है ये और ये आज आपने क्यों यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए? हमारी 2 महीने 10 दिन की सैलरी नहीं हुई, अधिकारी के पास जाओ, अधिकारी बोलता है कि तुम डिवाइन वाले हो, ठेकेदार से जाके बात करो। अच्छा, अधिकारी हमारी सुनता है नहीं जी, तो हम किसके पास जाएंगे? अच्छा, सैलरी टाइम पे होती नहीं है, 30 तारीख के पहले सैलरी होती नहीं है हमारी, सैलरी का टाइम रहता है 5 तारीख 10 तारीख, 30 तारीख तक सैलरी होती नहीं है, पेमेंट नहीं आएगी तो घर कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। ये बताएं एक ड्राइवर का लगभग कितना वेतन होगा? करीब एक ड्राइवर का 8,000 रुपये और उसके हेल्पर का 6,000 रुपये वेतन है। मतलब ये 2 महीने 10 दिन का बकाया है? 2 महीने 10 दिन का है। अच्छा, ड्राइवर और हेल्पर दोनों का बकाया है। हाँ। कुल कितने होंगे ड्राइवर हेल्पर? 35-40 ड्राइवर है, 40 हेल्पर है जी। अच्छा, ये क्षेत्रों में क्या गाड़ियाँ आप किस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं? डेली कचरा लेने जाते हैं हम सुबह।
छः बजे अगर नहीं आओ तो एब्सेंट लगा देते, 6:05 पर आए तो एब्सेंट लगा देते, 10 बजे के पहले गाड़ी खड़ी कर दो तो एब्सेंट लगा देते। मतलब इनके सुनो सब, हमारी कोई नहीं सुन रहा। किसके ठेके में हो आप? जगदीश चौहान के ठेकेदार। अच्छा, ये डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ये बताइए कोई अधिकारी से बात हुई आपकी? हमारे अधिकारी से बात हुई थी, एचओ साहब से। क्या बोले वो? वो बोल रहे बोले तुम डिवाइन वाले हो, डिवाइन वाले से जाके बात करो। तो आपको क्या आश्वासन मिला डिवाइन वालों से? डिवाइन वाले बोल रहे बोले सोमवार के दिन 1 महीने की सैलरी दे देंगे। तो 1 महीने की सैलरी कहाँ जाएगी हमारी? ये त्यौहार आ रहे, त्यौहार कैसे मनाएंगे हम? हमारे घर नहीं है क्या? नाम बताइए आपका। कपिल रघुवंशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।